नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाते हैं दुनिया के सबसे लकी इंसान से, जो एक बार नहीं सात बार दे चुका है मौत को मात। मौत को सात बार मात देने के बाद अब पूरी दुनिया ने इस शख्स को सबसे लकी इंसान मान लिया है। तो आइए उन सात हादसों के बारे में जानते हैं जिनको मात देकर यह शख्स दुनिया का सबसे लकी आदमी बना है। उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रोएशिया के रहने वाले फ्रेंस अलेक को भी शायद यह बात नहीं पता होगी कि उनकी किस्मत किस कदर बलवान है। उनके जीवन में पहला हादसा 1962 में हुआ। बताते हैं कि फ्रेंस जिस ट्रेन यात्रा कर रहे थे वो अचानक पटरी पर उतर गई और पास की नदी में जाकर गिरी। ये नदी सर्दी की वजह से पूरी तरह से जमी हुई थी। इस ट्रेन एक्सीडेंट में फ्रेंस को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद 1963 में फ्रेंस जिस प्लेन में यात्रा कर रहे थे वहाँ हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन क्रैश में भी सभी यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन फ्रेन को खरोंच तक नहीं आई। प्लेन क्रैश के समय फ्रेन इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गए थे और एक फसल के ढेर पर जा गिरे थे। 1966 में फ्रेन का सामना एक भयानक सड़क दुर्घटना से हुआ। इस दौरान फ्रेन एक बस में सफर कर रहे थे जो एक पहाड़ी पर ट्रक से टकरा गई थी। ट्रक से टकराने के बाद यह बस खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में चार लोगों की मौत हुई थी। पहाड़ी से बस गिरते समय फ्रेन कई पेड़ पर अटक गए थे, जिस कारण उनकी जान बच गई। उसके बाद 1970 में फ्रेन जिस कार में जा रहे थे उसमें आग लग गई थी, लेकिन धमाके से ठीक पहले फ्रेन कार से बाहर गिरकर बच गए थे। 1973 में एक बार फिर फ्रेन की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस बार भी उनकी कार में आग लग गई थी और हर बार की तरह इस बार भी कार में लगी आग फ्रेन को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा पाई थी। हालाँकि इस हादसे में फ्रेन के बाल जरूर जल गए थे। 1995 में फ्रेन की टक्कर एक बस में हो गई थी। इस हादसे में फ्रेन फिर बच जाते हैं। इसके बाद 2003 में पहली बार फ्रेन ने एक टिकट की लॉटरी खरीदी थी और पहले ही बार में वे लॉटरी जीत गए थे। 81 साल के फ्रेन का कहना है कि लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत लकी हो, पर मुझे इसमें मेरी खुशकिस्मती नहीं दिखती। मुझे ये लगता है कि मेरे साथ इतनी बार ऐसा क्यों हुआ। क्या ये फ्रेन की खुशकिस्मती थी या फिर बदकिस्मत, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। फ्रेन का कहना है कि वे चार शादियां कर चुके हैं लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिला और इसे वे अपनी बदकिस्मती बताते हैं। फ्रेन कहते हैं अपनी पांचवी पत्नी से उन्हें सच्चा प्यार मिला है। बता दें कि फ्रेन ने अपनी लॉटरी के जीते हुए सारे पैसे अपने परिवार को दे दिए और सब वे गांव में रहते हैं। फ्रेन का कहना है कि खुशियाँ पैसों से नहीं आती, इसलिए अब वे गाँव में रहकर सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। और भी ऐसे अन्य रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और कोई रोमांचक वीडियो के साथ।